अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे तमाम व्यूवर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो ना बड़ी अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो जो है हम ट्राई करेंगे पाकिस्तानी फेमस स्नैक्स। अच्छा, पाकिस्तानी फेमस स्नैक्स की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने कंपैरिजन करना है। इसका एक और पार्ट भी आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल स्नैक्स भी ट्राई करेंगे। तो आज पाकिस्तान के फेमस स्नैक्स हम ट्राई करने जा रहे हैं। एक तरीके से हम कंपैरिजन आगे आने वाली वीडियो में करेंगे कि भाई पाकिस्तानी स्नैक्स ज़्यादा बेटर हैं और पाकिस्तानी स्नैक्स में से कौन से स्नैक्स सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे व्यूज़ इंक्रीज करवाएं। आप लोग देखते ही नहीं हैं यार, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाता हूं मैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो जनाब पहला है जी ये कॉल्सन्स की जानिब से है फोल्ड्स। इतनी नया आया है शायद, तो इसको हम ट्राई करते हैं कैसा है ये। ये कोई इस तरह का दिखता है। इट्स लाइक कॉर्न, जैसे ना कॉर्न हो, कॉर्न का टेस्ट आ रहा है। गुड, बट इतना कोई स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, हल्का से, लेकिन कॉर्न का टेस्ट आ रहा है। तो अगला जो है हमारे पास फार्म हाउस कुकीज। ये पीक फ्रिंस वालों की तरफ से फार्म हाउस कुकीज है। चलिए इसको देखते हैं, खोलते हैं। जनाब ये जो है ना कुकी, ये नॉर्मल कुकी से थोड़ा बड़ा है। मतलब कि नॉर्मल जो चॉकलेट चिप कुकीज हम देखते हैं, ये उससे थोड़ा सा साइज में बिग है। एक अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मेरे ख्याल से जितने भी मैंने चॉकलेट चिप कुकीज़ खाए हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो क्रंच है ना वो बहुत ज़्यादा, और चॉकलेट चिप इतने स्मूथ हैं तो वो खाने में मज़ा आएगा। प्लीज़ डू ट्राई दिस, ये मेरे ख्याल से चॉकलेट चिप कुकीज़, प्लीज़ डू ट्राई दिस। तो अगला स्नैक्स है हमारे पास। अच्छा, इसको देख के मैंने कंफ्यूज हो गया कि यार कहीं मैं डोरीटोस नहीं उठा रहा। तो ये है टॉर्टिलास और माचो नाचोस। ये बेसिकली पाकिस्तानी है और डोरीटोस के मुकाबले की ही है, मतलब कि उसके कंपैरिजन में ना इन्होंने ये बनाई है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये ट्राई किया जाए। अब कंपैरिजन होगा कि भाई ये वाली ज़्यादा बेहतर है या डोरीटोस ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम ट्राई करते हैं। अच्छा, ये खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब कि जो होता है ना स्नैक की स्मेल वो बहुत अच्छी है। और दिस वन इज गुड, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रंची और बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट है इसका।
प्लीज डू ट्राई दिस ओके। तो जनाब अगला स्नैक्स है हमारे पास लेस। यार लेस है ना, इसका ये है कि आधे से ज्यादा ये खाली लग रहा है, हवा भरी हुई है ठीक है, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। पेपरिका का फ्लेवर है और दिस वन इज गुड। ये मैंने जो है ना पहली दफा खाया फ्लेवर, यहाँ पे ये इतना कॉमनली मिलता नहीं है। तो जनाब अगला है ये नेस्ट कैफे की तरफ से है चिल्ड सॉल्टेड कैरेमल। ये मैं पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ और लेट्स सी के इसका जायका कैसा है। आई डोंट नो, मैंने पहले इससे पहले जो है ना कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं कैसा ही होगा। एवरेज शायद, कभी ट्राई नहीं किया तो इस वजह से जो है फ्लेवर सूट नहीं किया। चलो अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये कॉर्निस का टॉफी पॉपकॉर्न। अच्छा ये आजकल बहुत चल रहा है, मुझे पता चला है कि इसकी जो है ना बड़ी मार्केट बन गई है कॉफी की जो है ना, मतलब कि टॉफी पॉपकॉर्न की। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। यार है तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो मतलब दिखने में तो अच्छा लगता है। दिस वन इज वेरी गुड। दिस वन इज गुड, दिस वन अमेजिंग। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ये लोकली प्रोड्यूस्ड है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड एंड इट्स गुड। तो अगला है जी, अगला स्नैक है जी हमारे पास लेज। लेज तो सबको पसंद है और ये है फ्लेमिंग हॉट। बड़ी पब्लिसिटी इन्होंने की थी, तो आज हम ट्राई करते हैं कि कितनी इसमें मिर्ची, क्योंकि मैं जो है वो स्पाइस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ चिप्स के अंदर, तो लिहाजा आज हम टेस्ट करेंगे इसको। हो गया खुल गया। गुड है, स्पाइस भी अच्छा है। जो ना यार कैप्रिका से ये वाला ज्यादा अच्छा है। और तो जनाब ये है चैटी चिन्स सुपर क्रिप्स का और ये मेरा फेवरेट है। उसकी रीजन ये है कि चीज जो है ना मुझे बड़ी पसंद है, जहां पे भी हो मैं जरूर खाता हूँ। तो खोलने में जरा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बट खुल भी जा कैसे खुली भी जाए, हाँ खुल गई। सुपर क्रिस्प की चैटी चिप्स, ये मुझे जरा पसंद है यार। कहेंगे ये बच्चों वाली चीज चिप्स है, लेकिन क्या करें, खाने मुझे अच्छी लगती है। वेरी गुड। तो आखिर में नॉट आखिरी, एक और भी है। तो ये है लेस कुरकुरे का तूफानी मिर्ची। बड़ा ही जो है ना कुरकुरे इसको प्रमोट कर रहा था, मैं स्पेशली ये लेके आया हूँ कि मैं देखूंगा, ये मैंने पहले नहीं खाया
मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ ही कि मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी ज्यादा, क्योंकि वो जो है ना बड़ी ऐसे हा करके जो है ना तूफानी आग निकल रही होती थी मिर्ची की वजह से। तो लेट्स ट्राई कि इसमें कितनी मिर्ची है, क्योंकि उनकी तरफ से प्रमोट बहुत किया जाता है भाई, बहुत ज्यादा जो है ना कहाँ कहाँ सब जगह से धुएं निकले लेंगे। तो ट्राई करते हैं यार तूफानी मिर्ची को। कॉर्न और वो जो कश्मीरी मिर्च नहीं होती उसका फ्लेवर है, गुड। लेकिन आखिर में ना जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, और उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं से भी वो मिल जाए ना, वो बस मैं लेता हूँ चिप्स, और वो है चिटोस। इसकी रीजन ये है कि मैं फर्स्ट इसलिए रहा हूँ कि ना जब मैं यूनिवर्सिटी होता था ना तो मेरा एक दोस्त था तो उसके साथ मेरी नई नई सलाम दुआ हुई थी, नीक की बात कर रहा हूँ। तो अब हमारी इतनी इंट्रैक्शन नहीं थी, तो हमारे हॉस्टल के नीचे ना शॉप हुआ करती थी, तो मैं उस टाइम पे, ये तो अब 50 का इतना छोटा सा हो गया ना ऑलमोस्ट, उस टाइम थोड़ा सा बड़ा आता था 50 का ना, तो वो मैं 50 वाला जो है ना चिटोस का यही वाला था फ्लेमिंग हॉट लेके आता था, और साथ में हाफ लीटर की वो कोल्ड ड्रिंक। तो जनाब मैं खा रहा होता था, तो अनीक जो है ना मुझे देखता था कि मैं उसको पूछूं कि ये खाएगा नहीं खाएगा, तो अगर ये व्लॉग देखेगा अनीक तो ज़रूर हंसेगा कि हमारी जो शुरुआत हुई थी ना वो इसी चीज़ के ऊपर हुई थी। इसलिए मेरी मोस्ट फेवरेट है कि अनीक ने जो है ना, नहीं कहता था जी ये मुझे पूछता ही नहीं था चिटोस, अकेला अकेला खाता था, तो इस वजह से ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो हमारी शुरुआत दोस्ती की चिटोस की वजह से हुई थी। उसने कहा कि खुद इतने बड़े बड़े चिटोस के पैकेट खा रहा बंदा, भूखे पूछ ही लेता है। तो इस वजह से मुझे बड़ा यानी जब भी मैं चिटोस खाता हूँ मुझे इंसिडेंट याद आता है। दिस इज अमेजिंग। तूफानी मिर्ची भी खाई है, ठीक है, लेस का फ्लेमिंग हॉट भी खाया है, लेकिन चिटोस की जो है ना वो बात अलग है यार। दिस इज वन इज रियली गुड, प्लीज ट्राई करना इसको। ये 50 का पैक आता है लेकिन बहुत अमेजिंग है। तो इतनी ज़्यादा मिर्ची खा ली है तो कुछ ड्रिंक भी तो ट्राई होना चाहिए, क्यों नहीं। तो उसके लिए ये मैं पाकिस्तानी मेड है, फ्रेश मेड फैसा चिल्लर, आई डोंट नो क्या है। तो चले इसको ट्राई करते हैं, इसको खोलते हैं। अजान भी हो गई है तो इसको खोलते हैं। Not bad. Yeah. Good one. It's a strawberry flavor. और ये है fresh made. तो ये था जनाब आज का मेरा vlog. उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इन सब में से अगर rate करना पड़े ना मुझे के top 3 को, के top 3 कौन सी हैं, तो सबसे पहले मैं rate करूँगा Cheetos को, क्योंकि मुझे जो ना थोड़ा सा स्पाइसीनेस पसंद है, पर्सनली तौर पे स्पाइसीनेस ना मुझे पसंद है, इस वजह से मैं जो है ना ये टॉप 1 पे मैं चिटोस को रखूँगा, और जो है ना सेकंड वाली जो है टॉप सेकंड वो मेरी रहेगी ये वाली कॉर्नीज की टॉफी पॉपकॉर्न, बहुत अमेजिंग है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और थर्ड नंबर पर जो है उसको रेट करूँगा मैं, ये मेरी फेवरेट चैटी चेंज, मुझे पसंद है, मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी पसंद से डिफर करें, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली ये टॉप 3 कैटेगरीज पसंद करता हूँ, और मोस्टली मैं यही खाता हूँ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, जिसमें हम इंटरनेशनल स्नैक्स भी ट्राई करेंगे यार। और मैं खुद इतना जो है ना फूड को पसंद करता हूँ, ये तो जंक फूड है सारा, लेकिन यह कि डिफरेंट स्नैक्स ट्राई करने चाहिए। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कौन से फेवरेट स्नैक्स हैं। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।